अच्छा, हमारे पास टर्बोजेट इंजन, तो इसमें क्या है, ये भी गैस टरबाइन है, ठीक है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है डिफ्यूजर है, दूसरा है गैस जनरेटर और तीसरा है नोजल। इस डायग्राम में मैं अगर आपको बता दूं तो इसमें जो पहला पोर्शन है ये डिफ्यूजर का है, ठीक है। डिफ्यूजर, ये फर्स्ट पोर्शन किसका है, डिफ्यूजर का है। इसमें ये जो दूसरा पोर्शन है ये गैस जनरेटर का है, और जो लास्ट पोर्शन है ये वाला, ये नोजल का है। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, डिफ्यूजर, गैस जनरेटर एंड नोजल। तो डिफ्यूजर में क्या होता है, डिफ्यूजर का मतलब है कि जो बाहर से एयर आती है इस इंजन को, इस एयरक्राफ्ट के इंजन को, बाहर से जब एयर आती है तो इसका स्पीड डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हाई स्पीड पे ना आ जाए, ये कम स्पीड, ये इसका स्पीड कम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफ्यूजर लगाते हैं, और ये डिफ्यूजर कंप्रेसर से पहले होता है। आपको पता है कि जब हमने गैस टरबाइन पढ़ा था तो इसमें पहला है कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद फिर होता है बॉयलर या कंबस्टर, इसके बाद होता है टरबाइन, और फिर वो रिजेक्ट होता है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। तो जो एयर आती है इसकी स्पीड को हम डिक्रीज करते हैं, तो डिफ्यूजर लगाते हैं। ये अगर बर्नौली इक्वेशन आपने पढ़ा है, तो जब हम स्पीड डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, तो इस इफेक्ट को फिर हम कहते हैं कि ये हाँ रेम इफेक्ट होता है, क्योंकि डिफ्यूजर ने स्पीड को डिक्रीज किया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। ये कहाँ से इंक्रीज होगा, ये बर्नौली इक्वेशन से हमने पढ़ा था। तो इस इफेक्ट को फिर हम कहते हैं कि अरे रैम इफेक्ट है। अब इसमें जो दूसरा पोर्शन है वो है गैस जनरेटर। तो गैस जनरेटर खुद कंबिनेशन होता है कंप्रेसर, कंबस्टर एंड टर्बाइन कलेक्टिवली, हम इसको कहते हैं कि ये गैस जनरेटर है। तो गैस जनरेटर किस तरह है, गैस जनरेटर का मतलब है कि गैस टर्बाइन है। तो गैस टर्बाइन में हमारे पास कंप्रेसर भी होता है, कंप्रेसर के बाद हमारे पास कंबस्टर या बॉयलर होता है, बॉयलर के बाद हमारे पास होता है टरबाइन। तो ये तीन कंपोनेंट हमारे पास कंपेक्ट होती है, और इन तीन कंपोनेंट को हम कलेक्टिवली कहते हैं कि ये गैस जनरेटर है। तो असल में हमारे पास जो पावर प्रोड्यूस होता है वो इस गैस जनरेटर में होता है, और यही गैस जनरेटर असल में हमारे पास गैस टरबाइन होता है। तो आपको पता है कि कंप्रेसर में हमारे पास एयर कंप्रेस होती है, फिर इसका कंबक्शन प्रोसेस होता है, कंबक्शन के बाद ये जाता है टरबाइन में, इसको टरबाइन को चलाते हैं, और इसके बाद ये आखिर इस लास्ट पोर्शन पे आते हैं नोजल। तो नोजल में क्या होता है, नोजल में ये यहाँ से एनवायरमेंट को हीट रिजेक्शन होता है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी बहुत हम हाई करते हैं, क्योंकि नोजल का काम है वेलोसिटी को इंक्रीज करना। जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जब ये वेलोसिटी फोर्स अप्लाई करती है एनवायरमेंट पे, तो एनवायरमेंट फोर्स अप्लाई करता है इस जेट के ऊपर, और ये जेट ऊपर जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स, जितना वेलोसिटी ज्यादा होगी इतना ही हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स है इस एयरक्राफ्ट के ऊपर वो ज्यादा होगी। बाज औकात इस तरह होता है कि हमारे पास अफ्टर बर्नर भी होता है। यह आप देखते हैं, यह इस पोर्शन में आपको अफ्टर बर्नर भी नजर आता है। तो अफ्टर बर्नर हमारे पास क्या है, यह हमारे पास असल में रिहीटर होता है। जिस तरह हम गैस टरबाइन में बात करते थे रिहीटर की, तो रिहीटर का काम था कि वर्क आउटपुट को डिक्रीज इंक्रीज करना। तो यह भी हमारे पास अफ्टर बर्नर काम करता है रिहीटर का, और ये क्या करता है, इस एयर को दोबारा गर्म करते हैं। तो ये हो गया थ्योरी आप टर्बोजेट इंजन। अब चूंकि इसी डायग्राम को रीड करना हमारे लिए मुश्किल है, तो अब इस डायग्राम को आसान बनाता हूं। वो किस तरह है, प्रोसीजर हमारे पास सबसे पहला होता है डिफ्यूजर। आपने इस बात का ख्याल रखना है
हमारे पास कंप्रेसर में, आपको याद है कंप्रेसर और टरबाइन में हमारे पास प्रोसेस होता था एज़ोट्रॉपिक। कंप्रेसर में हम कंप्रेस करते थे, टरबाइन में एक्सपेंशन होता था। अब यही एज़ोट्रॉपिक प्रोसेस हमारे पास डिफ्यूजर और नोजल में भी होता है, ठीक है। तो जब हम टर्बोजेट इंजन पढ़ते हैं तो हम किस तरह कंसीडर करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस वो क्या है, वो डिफ्यूजर है। तो डिफ्यूजर का काम क्या है, मैंने पहले बताया था कि वेलोसिटी को डिक्रीज करना। लेकिन यह हमारे पास जो मेन थ्योरी है वेलोसिटी के पास, वेलोसिटी के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक है प्रेशर के साथ। तो डिफ्यूजर में हमारे पास प्रेशर राइज होता है, ठीक है। और यहाँ जो प्रोसेस होती है वो हम कांस्टेंट एंट्रोपी पे लेते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। कंप्रेसर में हमारे पास क्या होता है, कंप्रेस होता है, प्रेशर मजीद इंक्रीज होता है, लेकिन एंट्रोपी हमारे पास कांस्टेंट होती है। कंबस्टर में हमारे पास हीट एडिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। और क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर टरबाइन में हमारे पास एक्सपेंशन होता है और कांस्टेंट एंट्रॉपी पे होता है। तो एक्सपेंशन से प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। नोजल में हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन हमारे पास प्रेशर डिक्रीज होगा। तो टरबाइन में प्रेशर कम होता है तो नोजल में ये मजीद कम होता है, और किस पे होता है, कांस्टेंट एंट्रॉपी पे। तो अब मैं अगर टीएस डायग्राम की बात करूं तो 1 to 0 to 1 प्रोसेस, यानी A to 1 प्रोसेस, ये हमारे पास डिफ्यूजर है और कांस्टेंट एंट्रॉपी पे है, ठीक है। A to 1, यह हमारे पास डिफ्यूजर में प्रेशर इंक्रीज होता है और साथ साथ हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। फिर 1 to 2 प्रोसेस क्या है, इस कंप्रेसर का प्रोसेस है। तो इसमें हमारे पास कंप्रेशन होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो ये कांस्टेंट एंट्रॉपी पे है, तो ये एक वर्टिकल लाइन आपको नजर आता है। फिर कंबक्शन में हमारे पास प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो आप 2 and 3 प्रोसेस देखते हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है और साथ साथ एंट्रॉपी भी इंक्रीज हो गई है। इसके बाद 3 and 4 प्रोसेस, ये क्या है, ये टरबाइन का प्रोसेस है। तो टरबाइन में हमारे पास एक्सपेंशन होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, इस साथ साथ हमारे पास टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट एंट्रॉपी पे होता है, तो ये एक वर्टिकल लाइन है। नोजल में हमारे पास क्या होता है, दोबारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आप देखते हैं कि एक सीधा लाइन है। या हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आप देख ले कि 4 and 5 प्रेशर भी डिक्रीज हो गया है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया। तो इस तरह दोबारा फ्रेश एयर आती है 5 and 8, दोबारा इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये हो गया हमारे पास टर्बो जेट इंजन की एनालिसिस। सेम है जिस तरह हमारे पास गैस टरबाइन है, लेकिन इसमें 2 चीजें ऐड होगी, एक डिफ्यूजर ऐड हो गया है और एक नोजल। तो डिफ्यूजर का काम वही है जो कंप्रेसर करता है, प्रेशर को इंक्रीज करता है और कांस्टेंट एंट्रोपी पे। यहाँ एंड पे हमारे पास नोजल ऐड हुआ है, नोजल का काम वही है जो टरबाइन करता है, एक्सपेंशन होता है, यहाँ प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है, और एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, बाकी प्रोसेस सेम है।